इमाम तिर्मिज़ी हदीस पाक को जिक्र करते हैं जिसके रिवायत फरमाने वाले हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं, वो बयान करते हैं हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर मुबारक और दाढ़ी मुबारक में 20 के करीब करीब सफ़ेद बाल थे और ये बुजुर्गी की अलामत होती है। जब सहाबा इकराम ने इनको देखा तो उन्होंने अर्ज किया, या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह, आप पर बुजुर्गी के आसार दिखाई दे रहे हैं, बढ़ापे के आसार नमूदार हो रहे हैं। तो हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक हदीस पाक में ये अल्फाज हैं, मुझे सूरह हूद और इस जैसी दूसरी कुरान की सूरतों ने बुरा कर दिया है, और जबकि दूसरी हदीस पाक में आप अलैहिस्सलाम ने अम्मा यदा साउन सूरतुल नबा का जिक्र फरमाया, मुसलात का जिक्र फरमाया, सूरह वाकिया का जिक्र फरमाया, सूरह हूद का जिक्र फरमाया कि इस जैसी दूसरी सूरतों ने मुझको बुरा कर दिया है। तो कुरान पाक वो चीज़ है जब गौर करके पढ़ा जाए तो इससे बड़े नताइज हासिल होते हैं।